चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। सो टुडे आवर टॉपिक इज पैरासाइटोलॉजी। इन माय प्रीवियस वीडियो वी वर लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन टू पैरासाइटोलॉजी, बट बिफोर दैट लेट मी क्लियर व्हाट इज पैरासाइट। ओके, सो पैरासाइट क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म डेट इज़ डिपेंड ऑन एन अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल। मतलब पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि अपने सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, एक बार और यहाँ पर मैं आपको देखें, क्लियर हो रहा है वीडियो में। तो यहाँ पर जो है हम पैरासाइट उसको कहेंगे जो डिपेंड करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या होगा वो उसको हम होस्ट कहेंगे फॉर देयर सर्वाइवल ऑफ फूड एंड एनर्जी। अब यहाँ पे पैरासाइट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो पैरासाइट। अब मैक्रो में जो है वो क्या आ जाते हैं, स्मॉल यूनिसेलुलर लाइक जैसे प्रोटोजोआ बैक्टीरिया हो गए, और मैक्रो में आ जाते हैं लार्ज मल्टीसेलुलर लाइक हेलमेंट्स, जैसे कि हेलमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं मैक्रो में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंडो एंड एक्टो पैरासाइट, के एंडो पैरासाइट कौन से होते हैं और एक्टो पैरासाइट कौन से होते हैं। अ पैरासाइट विच लीव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड एंडो पैरासाइट, जैसे कि प्रोटोजोआ और हेलमेंट्स। वो पैरासाइट जो के होस्ट के अंदर रहें, होस्ट के अंदर रह के उसको इन्फेक्ट करें, उसको क्या कहेंगे, उनको हम एंडो पैरासाइट कहेंगे, जिसमें प्रोटोजोआ और हेलमेंट्स आ जाते हैं। और जो है दूसरे कौन से हैं, एक्टो पैरासाइट। अ पैरासाइट विच लीव्स विद आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड एक्टो पैरासाइट, जैसे कि अर्थ्रोपोड्स। अर्थ्रोपोड्स वो पैरासाइट्स हैं जो कि किसी भी होस्ट के बाहर रहकर उसको इन्फेक्ट करेंगे, यानी कि उसको हार्म पहुँचाएंगे, उसको हम कहेंगे एक्टो पैरासाइट्स। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं, आगे जो है इसको और मज़ीद क्लासिफिकेशन मैंने इसकी की हुई है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेंट, यानी कि हैबिटेंट मतलब जहाँ पर वो रहते हैं उनकी बेस पे इसको क्लासिफाई किया है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं, कैन नॉट एग्जिट विदाउट अ सुइटेबल होस्ट। अगर उनको सुइटेबल होस्ट नहीं मिलेगा तो वहाँ पर सर्वाइव नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फैकल्टेटिव पैरासाइट ऑर्गेनिज्म डेट में लीव इधर अ पैरासिटिक और फ्री लाइफ, यानी कि फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब अगर उनको होस्ट मिल जाता है तो वो तब भी रह लेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो वो फ्री लाइफ वहाँ पर सर्वाइव करेंगे, मतलब के विदाउट होस्ट भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सीडेंटल पैरासाइट ऑर्गेनिज्म डेट अटैक एन अनयूजुअल होस्ट। एक्सीडेंटल पैरासाइट वो पैरासाइट्स होते हैं जो अनयूजुअल मतलब कोई प्लानिंग ना हो, विदाउट प्लानिंग के वो क्या करें, अटैक कर लें किसी भी होस्ट पर, जैसे ही सामने होस्ट आया और उसने उस पर पैरासाइट ने अटैक कर दिया, वो क्या हो जाएंगे, एक्सीडेंटल पैरासाइट्स। अब एब्रिब्रियन पैरासाइट्स वो होते हैं ऑर्गेनिज्म डेट अटैक का होस्ट वियर दे कैन नॉट लीव और डेवलप फर्दर। एब्रिब्रियन पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि अटैक करते हैं होस्ट पर, जहाँ पर जो है वियर दे कैन नॉट लीव और डेवलप फर्दर, जहाँ पर वो ज़्यादा रह नहीं सकते और फर्दर डेवलप भी नहीं होते। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एब्रिब्रियन पैरासाइट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसके हम दूसरी स्लाइड देखेंगे, दूसरी स्लाइड पे जाके देखेंगे कि मज़ीद इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आपके पास एक बात आती है कि होस्ट होते क्या हैं, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। हमने ये तो कह दिया कि होस्ट जो है वो क्या है, कि जो एक पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अटैक करेगा उसको हम उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहेंगे। देखें, एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड स्टे टू द पैरासाइट एंड प्रोवाइड्स द नरिशमेंट एंड शेल्टर टू द पैरासाइट। वही बात होगी जो मैं आपको समझा रही थी कि वो होस्ट उसे हम कहेंगे जो कि पैरासाइट को नरिशमेंट दे रहा है, उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है खुद को, पैरासाइट को सर्वाइव करने के लिए, तो उसको हम होस्ट कहेंगे। आप देखें ये दो तरह के होते हैं,
एक होता है डेफिनेटिव होस्ट और दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट। अब ये डेफिनेटिव होस्ट कौन से होते हैं? हर्बर्ट्स द अडोल्ट, मतलब फर्स्ट, इसका आपको फर्स्ट स्टेजेस में बताया हुआ है, हर्बर्ट्स द अडोल्ट स्टेज सेक्चुअली रिप्रोडक्शन ऑफ द पैरासाइट। अब ये हर्बर्ट्स द अडोल्ट मतलब क्या है? जैसे कि फीमेल एनाफिलस, मतलब ये मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलस इस लीफ इन प्लास्मोडियम, यानी कि प्लास्मोडियम जो पैरासाइट होता है, ठीक है, तो वो फीमेल एनाफिलस के थ्रू कॉज होता है। आपको पता है जो मलेरियल डिजीज है, मलेरिया जो होता है वो फीमेल मॉस्किटो एनाफिलस उसके अंदर ये पूरी जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। तो उसमें जो है उसको क्या कहेंगे? डेफिनेटिव होस्ट कहेंगे कि उस पहले उसके अंदर एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, फिर वो मच्छर वो मॉस्किटो इंसान को काटेगा तो दूसरी लाइफ साइकिल उसके अंदर कंप्लीट होगी। तो ये ऐसे होस्ट को हम डेफिनेटिव होस्ट कहेंगे, ठीक है। अब इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है, इंटरमीडिएट होस्ट डेट हार्बर्स लार्वा, यानी कि जो लार्वा के थ्रू क्या करता है, नुकसान पहुँचा, जो एक्सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होगी। अब सेक्चुअल मैंने बता दिया फीमेल एनाफिलस में होगी, वो डेफिनेटिव हो गया, लेकिन जो एक्सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगी वो किसके अंदर होगी? ह्यूमन के, मैन के अंदर होगी, ठीक है। तो मैन क्या हो गया? उसका इंटरमीडिएट होस्ट हो गया, समझ आ रही है। तो इस तरह से दोनों होस्ट जो है काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट में इसकी बात करेंगे, देखें कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ। थोड़ी स्लाइड्स प्रॉब्लम कर रही हैं तो आप लोगों को जो है मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे मूड को और जो है अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आएंगे और इसको फिर हम रीस्टार्ट करके दूसरा और ज़्यादा मैं आपको क्लियर करके बताऊँगी कि ये चीज़ें किस तरह से कवर होती हैं। तो यहाँ तक हमारी जो है थी आज की वीडियो कि एंडो और एक्टो किस तरह से बनते हैं और किस तरह से जो है ये होस्ट होते हैं, होस्ट किस किस टाइप के होते हैं और किस किस तरह से वो बीमारियाँ जो है वो कॉज करवाते हैं या उनको क्लासिफाई किस तरह से किया गया है, ये सारी चीज़ें हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ते हैं। अब इनकी जो कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन है वो हम अपनी दूसरी लेक्चर्स में देखेंगे कि इनको कंप्लीट, क्योंकि ये जो हेलमेंट्स होते हैं ये भी तीन तरह के होते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, नेमाटोड्स आ जाते हैं, सेस्टोड्स आ जाते हैं और टेमेडोस आ जाते हैं। तो उनको किस तरह से फर्दर क्लासिफाई करते हैं, उनको किस तरह से किस बेस पर जो है किया जाता है, तो ये वाली हम जो है ये भी हम मज़ीद अपनी आगे वाली दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगी कि किस तरह से इनको मज़ीद जो है दो से ज़्यादा में किया जाता है, इनको एक से दो से इस तरह से कंप्लीट जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए मैंने आपको क्लासिफिकेशन इसमें बताई है, ये सारी होस्ट बताए हैं, होस्ट किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर मेरी कुछ स्लाइड्स हैं वो प्रॉब्लम कर रही हैं जिसकी वजह से मैं आपको कंप्लीट जो है वो लेक्चर नहीं समझा पा रही हूँ, बट इंशाल्लाह मैं अपनी कमिंग वीडियोज़ में आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूंगी। तो आज जो हमने पढ़ा है वो किस बारे में पढ़ा है? कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तो नहीं कहेंगे इसको, एक शॉर्ट होस्ट की एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको इसमें बताई है। तो किस तरह से होस्ट जो है काम करते हैं, पैरासाइटोलॉजी में कौन कौन से होस्ट होते हैं या इनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, तो इस वीडियो का नाम हम देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइटोलॉजी। ओके, सो वी विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस इंशाल्लाह, जल्दी हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। अगर आप अपने आप से कोई टॉपिक बनवाना चाहते हैं मेरी वीडियो के थ्रू तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो भी ज़रूर बनाऊँगी, इंशाल्लाह आई विल मेक फॉर यू। बट बिफोर दैट यू मस्ट वॉच माई एवरी लेक्चर वीडियो विच आई हैव अपलोडेड इन माई चैनल। ओके, सो प्लीज़ if you like my lectures, please share it again with your friends, with your family and classmates, and
If you have any confusion, any question, please you can easily ask me in my comment section board. Then after seeing your answers, showing your questions, then I will be answered, inshallah. Okay, thanks for watching. Allah.